मध्य प्रदेश से अलग होने के बाद सन 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ। तब रायपुर को राजधानी, बिलासपुर को न्यायधानी और कोरबा को ऊर्जाधानी का दर्जा दिया गया था। मगर छत्तीसगढ़ की ऊर्जाधानी में लोग आज नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं, क्योंकि यहां गहराए जल संकट की मार ने लोगों का जीना दुश्वार कर रखा है। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की ऊर्जाधानी यानी कोरबा जिला, यूँ तो इस जिले में बहुत से कोयला की खदानें हैं जो अधिकतर सुर्खियों में बने रहते हैं। आज हम आपको SECL के ढेलवाडी में संचालित भूमिगत खदान का एक ऐसा कारनामा दिखाने जा रहे हैं जिसने आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों की जिंदगी नरकी बना दिया है। आपको बता दें कि ढेलवाडी में SECL की खदान है, जहां से लगातार खदान का गंदा पानी अहरन नदी में छोड़ी जा रही है। नतीजतन नदी के आसपास रहने वाले लोगों को बहुत सी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है, या यूं कहें कि यहां जल संकट आन पड़ा है। चूंकि नदी के तट पर बड़ी संख्या में लोग निवास करते हैं और निस्तारी सहित अन्य कामों के लिए नदी पर ही निर्भर हैं, ऐसे में SECL द्वारा छोड़े जा रहे गंदे पानी की वजह से लोगों का जीना दुभर हो गया है। वर्तमान स्थिति ऐसी है कि ग्रामीण नदी के पानी की न तो निस्तारी के लिए इस्तेमाल कर पा रहे हैं और न ही किसी और काम के लिए। ग्रामीणों की माने तो नदी का पानी इतना गंदा और विषैला हो चुका है कि यहाँ गलती से नहा ले तो खुजली फोड़े जैसे चर्म रोग जैसी समस्याओं से गुजरना पड़ता है। खुजली खसरा, हर तरफ की बीमारी हो रहे हैं भैया। इमा भगवान के जल पर तर्पण करथन, नहात खुदथन, इमा के पानी ला ले करके महादेव मरी कुबथन के जे है। और पानी में मौका में आवत है जावत है, तेमन पानी ला पिया थे, ये महिला पानी ला प्यास ही तो काय करी। बहुत समस्या हो रहा है यहाँ, ढोल ढक्कड़ पोल्यूशन बढ़ रहा है, साथ में कचरा आ रहा है, गंदगी आ रहा है, उससे हम लोग को परेशानी हो रहा है। यहाँ यह बताना लाजमी होगा कि प्रदूषण के कारण लगातार नदी और नाले अपने अस्तित्व से समाप्त होते जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह अहरन नदी में SECL द्वारा गंदगी छोड़ी जा रही है, या यूं कहें अहरन नदी को बेहाल कर खुद SECL के अधिकारी चैन की सांस ले रहे हैं, जिसका खामियाजा नदी के तट पर निवासरत भोले भाले ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। बावजूद इसके संबंधित विभाग के अधिकारी कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं। पानी में हम नहावा थन, आज में गंदा पानी है, आवा थे गरुआ भैंसा पिया थे, और ऊपर से काय कि ये पानी में नहावा थन, गंदा पानी में तो खुजली आवा थे, और घर में हमन के कभी नल नहीं चला तो कभी आ जाथन, और ऐसे तो हमन डेली के न हुआ पूजा पाठ करो या आदमी इनके बाबू था, ये पानी ला जो गंदा पानी हालत चला अंते कर देती तो सभी कहूँ नहाती खोती नंदिया मगा। एक और मोदी सरकार के स्वच्छ भारत अभियान के तहत पर्यावरण विभाग द्वारा नदी नालों को स्वच्छ बनाने जोर दिया जा रहा है, और दूसरी ओर SECL जैसे कई औद्योगिक संयंत्रों के कारण देश की नदियां बीमार होती चली जा रही हैं। या यूं कहें कि मोदी सरकार के स्वच्छ भारत अभियान मात्र पोस्टरों और टीवी में ही सिमटा हुआ दिखाई पड़ रहा है। ऐसे में इस ओर ध्यान देते हुए जिला प्रशासन को उचित कार्रवाई करने की जरूरत महसूस की जा रही है, जिससे हमारे पर्यावरण को शुद्ध करने के साथ साथ भोले भाले ग्रामीणों की जिंदगी बचाई जा सके। कोरबा से राहुल डिकसेना व शशिकांत डिकसेना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट RJ रमझाझर।